इस बार जो आम जनता है ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है, स्मार्ट हम कहें कि बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। मुद्दों पर खुलकर बात ना करना, उसके बाद जब आप वोट करने जा रहे हैं तब ये कहना है कि हमने वोट दे दिया है, हमें पता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि कौन सी पार्टी को ज्यादा यहाँ पर बढ़त मिल रही है, ये कहना मुश्किल हो रहा है इस बार। जी हाँ, ये तो कहना मुश्किल है। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, इनसे हम बात करने के लिए, ये चीज जो है हम डायरेक्ट वोटर से ही जानना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया है। विकास के मुद्दे को लेकर वोट किया। अच्छा, यहाँ से मुख्तार अंसारी जो है इसको पहले लड़ चुके हैं और आप अब्बास अंसारी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के, मुद्दा क्या रहेगा आपकी, आप आगे विकास हो, यही मुद्दा हमारी विकास हो। अच्छा, सरकार किसकी चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो 5 साल सरकार रही है, इसके बाद अभी ये सरकार तो आई है, इससे आप कितना लग रहा है, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव ही चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार बदलाव चाहते हैं, कि कुछ ना कुछ अलग हो, कुछ नया हो, कुछ बदलाव हो। जी बिल्कुल, बदलाव की स्थिति जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर मऊ की हम बात करें तो यहाँ बदलाव का मतलब क्या है, ये समझना आज से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप मतदाताओं के बीच है, आप समझ पा रहे हैं कि बदलाव को हम किस तरह से समझें? हाँ, मतदाताओं के बीच है, लगातार हम मतदाताओं से मिल भी रहे हैं, मतदाताओं से बात भी करना की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मतदाता है वो खुल के नहीं आ रहे हैं, वो साइलेंट वोटर वोटर है, इसमें जो है बड़ा कशमकश में, यहाँ तक कि जो वोटर जो पार्टी के लोग हैं और भी जो लोग हैं वो बड़ा सोच में मशहूर है कि आखिर किसको वोटर्स से कहाँ वोटर्स जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, किस पार्टी को जा रहे हैं, कि वो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, उनसे बात की जा रही तो वो कुछ कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स के जो वोटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो लोग हैं जो जा रहे हैं, अब बूथ के अंदर जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो बात ही नहीं कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं वो घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, जिससे वो कुछ भी बोलने से एकदम साफ तौर पर इनकार कर दे रहे हैं। ठीक है आसिफ, आप बने रहिए, नजर बना के रखिए और लगातार मतदाताओं से बातचीत करते रहिए और वहां से तस्वीरें भी लगातार हमें भेजते रहिए ताकि हम दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचा सके। चंदौली से अश्विनी लगातार बने हुए, अश्विनी के पीछे भारी संख्या में मतदाता पहुंचे हुए। अश्विनी, मतदाताओं से बात करिए। और आपने वोट किया है क्या? देखिए, एक युवा मतदाता है, आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? परिवर्तन चाहते हैं या विकास की जो कह रही है सरकार उसको चाहते हैं? देखिए, युवा मतदाता है, उनकी क्या परिवर्तन ही, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर के आक्रोश दिख रहा है जो कि मतदान में भी उसका परिणाम परिणित हो सकता है। बिल्कुल अश्विनी, लेकिन अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि 11 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। देखिए, ये चुनावी मैंने पोस्टों में चारों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश किया है और विशेषकर युवाओं पर सपा ने ज्यादा डोरे डाली है, सेना भर्ती हो या बेरोजगारी हो या उनके शिक्षा को लेकर के लैपटॉप आदि देने की बात हो, इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पेंशन बहाली भी इस चुनाव में एक नया मुद्दा आया है जो वो परिणामों पर प्रभाव डाल सकता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जहां चुनाव मैदान में है और उसके समर्थक भी जोश में हैं, तो ये तो अब समय बताएगा, लेकिन सब मिला जुला करके वोट साइलेंट पड़ रहा है और मतदाता विशेषकर जागरूक हो चुका है। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि पहले मतदान केंद्रों पर गहमा गहमी, हुमा हुमी और यहाँ तक कि मार पीट और खून खराबा भी होता था। आती थी, लेकिन अश्विनी जी जी, लेकिन अब मतदाताओं की जागरूकता एवं प्रशासन की चुस्ती दिखाई दे रही है कि शांति पूर्वक ढंग से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पड़ रहा है, जबकि चंदौली नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, चकिया का क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटनाएं नहीं है और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जी बिल्कुल अश्विनी, और तमाम तस्वीरें भी आप दिखा रहे हो, उससे अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि देखिए घरों से घूंघट में बहुएं आ रही। जी एक मिनट, बहुएं घूंघट में आ रही मतदान करने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ जी, आप आज पहली बार मतदान करेंगे? पहले की थी? पहली बार है?
पहली मतदाता हैं, आप क्या चाहती हैं? परिवर्तन चाहती हैं या वही सरकार चाहती हैं? क्या सोच करके वोट दे रही हैं? विकास के मुद्दे पर दे रही हैं या परिवर्तन कर? इनका बहुएं हैं, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है और लोक लाज यहाँ चलता है, उसको देखते हुए घूंघट में बहुएं मतदान करने के लिए आ रही हैं, लेकिन इनमें भी अपने प्रत्याशी एवं पार्टी को जिताने की लालसा है और विकास के मुद्दे पर वोट दे करके सरकार बनाना चाहती हैं। जी बिल्कुल, और तमाम तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम जो आहुति है वो ज़रा इस महायज्ञ में दीजिएगा और बखूबी जनता इस चीज़ को समझ पा रही है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर पूर्वांचल की जो जिन 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है, जिन 54 सीटों पर हो रहा है, ये कभी सपा का गढ़ रहा करता था, बसपा और सपा का, लेकिन 2017 में समीकरण ऐसे बदले कि 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी ले गई। लेकिन इस बार बदलाव हम देख रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? सपा को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं या फिर बीजेपी एक बार फिर से ज्यादा सीटें निकालती हुई नजर आएगी? जी, एक बता दें कि अगर हम इतिहास में जाएं, 2019 के चुनाव में जाएं, तो ये पूर्वांचल का गढ़ जो है जातिगत आधार पर सपा और बसपा का गठबंधन था, उसमें पूरी तरह से अगर उत्तर प्रदेश की सारी सीटों का देखा जाए तो मुसलमान और दलित वोट और यादव वोट का गठजोड़ जो भाजपा पर भारी दिख रहा था कि 2019 में ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि यहाँ से शहरी क्षेत्रों के अलावा बीजेपी को कहीं भी जीत नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं में जागरूकता रही जो कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं, पार्टी का चयन कर रहे हैं और विकास के मुद्दे को कर रहे हैं। लेकिन इस बार कोविड का प्रकोप दिखा है, युवाओं में आक्रोश है, सेना भर्ती नहीं हो पाई है, कई युवाओं की एज ओवर हो गई है, तो इन सब मुद्दे जो हैं वो मुख्य रूप से उन लोगों के बीच में हैं। तो ये परिणाम क्या होगा, चौंकाने वाला हो सकता है या पूरा सरकार पुनः बहाल हो सकती है या बदल सकती है, लेकिन ये तो 10 तारीख को ही मालूम होगा। जी अश्विनी, 43 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है, अगर चंदौली की हम बात करें, 43 प्रत्याशियों में से कितने ऐसे हैं जिनका वर्चस्व है अपने क्षेत्र में या जिनकी अच्छी खासी पकड़ है, मजबूत है वो अपने क्षेत्र में? जी बता दें, 43 प्रत्याशी हैं चारों विधानसभा में, जिसमें 5 विधायक हैं, 3 विधायक भूतपूर्व हैं, 2 विधायक सिटिंग हैं। इसमें से सबसे चंदौली में सबसे ज्यादा गहमा गहमी सैदराजा विधानसभा में, जहाँ की बाहुबली विजय सिंह के भतीजे सुशील सिंह सिटिंग विधायक भाजपा के हैं, वो चुनाव मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू भी उनके प्रतिद्वंदी के रूप में है, तो वहां विशेष गहमा गहमी है। और चकिया में देख लें तो पूर्व विधायक बसपा से बने थे जितेंद्र प्रसाद, वो समाजवादी पार्टी से इस बार प्रत्याशी हैं, वो उनके वहाँ की चकिया सुरक्षित सीट है, तो वहाँ से तीनों प्रत्याशी जो हैं दलित वर्ग से आते हैं। वहाँ भी अगर देखा जाए तो वहाँ भाजपा ने एक सामान्य प्रत्याशी में, जहाँ की लोग बाहुबल पैसा धन बल और अपने वर्चस्व के बल पर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन भाजपा ने चकिया में ऐसा प्रत्याशी किया है, खड़ा किया है कैलाश खरवार, जो सामान्य तरीके के अध्यापक थे और जनसंघ से जुड़े थे। बिल्कुल अश्विनी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा दें। 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो हम आम जनता को, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आजमगढ़ में 7.57% मतदान हुआ है, मऊ में 7.3% मतदान हुआ, वहीं जौनपुर की अगर हम बात करें तो जौनपुर में 8.94% मतदान हुआ है, इसके अलावा चंदौली में 11.25%, वाराणसी में 8.93%, भदोई में 7.41% मतदान हुआ है। मिलते जुलते आंकड़े वोटिंग परसेंट के 6 चरणों के हिसाब से ही दिखाई दे रहे हैं, 7वें चरण में भी, यानी कि जो जागरूकता 6 चरणों में मतदाताओं की रही है वही जागरूकता आज 7वें अंतिम चरण में नजर आ रही है। तो 9 बजे का वोटिंग परसेंट हमने अपनी जनता को, अपने दर्शकों को बताया है, जिसमें आजमगढ़ में 7.57% मतदान हुआ, मऊ में 7.3% मतदान हुआ है और चंदौली में 11.25। चंदौली में सबसे ज्यादा अश्विनी लगातार मेरे साथ बने हुए चंदौली से। अश्विनी, चंदौली में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट बाकी जिलों के मुकाबले 11.25%, यानी कि चंदौली में, जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि महिला
महिलाएं भी पहुंच रही हैं, जो नवविवाहिताएं हैं वो भी पहुंच रही हैं। ये बताना चाहेंगे कि चंदौली जो है बिहार से सटा हुआ पिछड़ा जिला तो जरूर है जी, लेकिन वाराणसी से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ है। यहाँ के लोग निश्चित ही जागरूक हैं। यहाँ तीन तीन हस्तियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा चंदौली जनपद है, उनसे जुड़ा मामला है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो चंदौली जनपद के निवासी हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ मामला है। और केंद्र में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारी उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, वो चंदौली संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ मामला है। तो ये कहीं ना कहीं यानी दिग्गजों की साख दांव पर है चंदौली में। अश्विनी, दिग्गजों की साख? जी जी जी, दिग्गजों की साख दांव पर है। कितना बचा पाएंगे साखों को, क्या लग रहा है इस बार? वोटिंग प्रतिशत तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है 9 बजे तक। देखिए, चंदौली में अगर कहा जाए तो जिला प्रशासन ने और स्वयंसेवी संस्थाओं ने घर घर जा करके हर वर्ग के मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए जागरूक किया है, जिसका परिणाम दिख रहा है कि सुबह से ही जलपान किए बिना ही मतदान कर रही हैं महिलाएं और सभी। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो घर का काम काज सुबह ही उठ करके करके वो मतदान पर जा रही हैं, क्योंकि लाइन लग रही है, लंबी भीड़ हो रही है, तो उनको लेट होगा। घर में बच्चे हैं, परिवार के लिए हुए, तो उनको भरण पोषण भोजन पानी के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी अपने मत का प्रयोग करके, ये जागरूकता का परिणाम है कि मत का प्रयोग करने के लिए वो पहुंच रही हैं पोलिंग बूथ पर। और परिणाम भी दिख रहा है कि अभी तक 2 घंटे के रुझान में पूर्वांचल के सभी सीटों से अधिक 11% का मतदान चंदौली में हुआ है। जी।